अरे सुनो, वहां नहीं जाओ, वहां अरे नहीं जाओ, भाई वहां नहीं जाओ। ओ यार यार, ये कितनी औसम है। चोरी से आना, चुपके से जाना। भाई भाई सही बता रहा हूँ। तुम यही बकचोदी कर रहे, मैं नौक होता हूँ, फिर लोग बोलते कि मैं नूह हूँ। तुम काय चोरी से आना चुपके से गाना गा रहे? भाई जब अपन रस कर रहे हैं तो इस टाइम गाना मत गाओ, फुट स्टेप आने दो ना। एक तो तुम्हारी आवाज भी इतनी तेज। चोरी से आना, चुप भाई, मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ? बंदी के लाना गा रहा हूँ। अरे तो भाई अरे तो भाई कैसे फोकस करो जब फुट स्टेप ही नहीं आएगी। तो आज की ये शायरी मेरे सबसे प्यारे दोस्त के लिए, कि तेरी जिंदगी में आए हैं तो तेरे सारे गम ले जाएंगे, कि तेरी जिंदगी में आए हैं तो तेरे सारे गम ले जाएंगे, और मेरे भाई तू शादी कर ले, भाभी को हनीमून में हम ले जाएंगे। IPL देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइज भी जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस। ऐसे 15 प्लस तरह के क्वेश्चन में अपना ओपिनियन बता के आप काफी सारे प्राइज जीत सकते हो। lotus365 में जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200 प्लस क्वेश्चंस, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं। तो देर किस बात की, डायरेक्ट रजिस्टर करो lotus365.in पे। इसकी लिंक मैंने आपको पिन कमेंट बॉक्स में दे दी है। तो आज का गेम प्ले नहीं, पूरी की पूरी बकचोदी है गाइस। अच्छा। तो सीन ये होता है कि हम हर दिन की तरह गेम प्ले लगाते हैं, पर हमारे गेम प्ले में एक रैंडम लड़की आ जाती है, और उस लड़की के साथ जो हमारे दुर्योधन भाई जो ये आपके सामने बैठे हैं, ये जो वार्तालाप करते हैं, वो आपको सुनने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसीलिए आज मैं रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ, ना कि वॉइस ओवर वाला गेम प्ले। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आज बहुत ज्यादा मजा टाइप का आएगा। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। 1, 2, 3 स्टार्ट। तो गेम प्ले की शुरुआत हो चुकी है। यही वो गेम प्ले था जहाँ पे उस लड़की से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। चलिए अब देखते हैं आखिर क्या वार्तालाप हुई है, जिस वजह से मुझे आप ये गेम प्ले आपके सामने रहा। ओके। अच्छा, एक बात बताऊं, आप तीनों की आवाज मुझे सेम ही आ रही है, और एक ही माइक से आ रही है, तो मुझे पता नहीं कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वुमेन। हाँ तभी। अच्छा और क्या? ओके। माई शक्ल अलग अलग है, बाकी औजार सब थे, मतलब लोगों के आईफोन 13 प्रो मैक्स पे खेलते हैं सभी लोग। लास्ट टाइम से वहीं पर हो क्या? अरे हम तो ऐसे ही हैं, भगवान जहाँ बुला ले वहाँ चले जाते हैं। आप बुलाओगे आप घर आ जाए कभी, आप बुला के तो देखो। भगवान मुझे भूल ही गए शायद से। तुम्हें तो बुला के तो देखो प्यार से, तुम मेरे को प्यार से बुला के तो देखो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। भगवान क्या है, भगवान से पहले मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरी मैगी खत्म हो गया, मैं प्यार से बुलाती हूँ, आते आते मैगी भी लेके आना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बना के खिलाओगी तो मैगी ले आऊंगा। आप खिलाओगी बना के? ठीक है फिर, ये मुझे बहुत अच्छी आती है। ईमानदारी बताओ, तूने उसको हाँ इसलिए नहीं कहा था मैगी लाने को, क्योंकि 10 रुपए का सवाल था। गजब टूबी बाज आदमी। मैं 20 रुपए खर्च करता हूँ, लेकिन जरूरत के जीव के लिए खर्च करता हूँ। मैं 10 रुपए खर्च करता हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा आता है। नहीं मुझे खिलाना नहीं आता ना अपने हाथों से, बस मुझे बनाना। सीख जाओगी, मैं हूँ ना सिखाने के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे खिलाना। मेरे नाम में ही सराफत छुपी हुई है दुर्योधन, समझ सकती हो आगे तुम। तो अभी गेम प्ले की शुरुआत हो रही है, और देख लो भाई क्या बंदा बता दो। भाई यार एक बंदा मारा,
लड़कियों के चक्कर में होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियल बात है भाई। जब अपन उतर रहे हैं तब बकचोदी बंद कर दो भाई, गेम में फोकस करो, फुल बटेरेबाजी कर रहे हो तुम भाई। मेरी बात से बात चल रही है, हाँ। लड़की बात कर रही है, हाँ। तुम तो आप फोकस करो, मैं मेरे फोकस कर रहा हूँ। यार छोटे स्टेप वगैरह को समझ में भी तो आए, मैं भी तो लड़का ही हूँ ना, मैं भी कैसे नहीं दूं ध्यान यार, जब लड़की बात करेगी कान में उसकी आवाज आएगी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। मैंने बोला गेम प्ले की शुरुआत भाई खत्म हो गया। तो गाइस एचर में हुआ गया कि ये गेम प्ले यहीं तक का था। अब लेके आया हूँ मैं आपके लिए दूसरा गेम प्ले, और वो गेम प्ले दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारी भाई यहाँ से उससे मुलाकात हुई, और अब ये है वो गेम प्ले जिसमें भाई ये बंदा 19 मिनट में उस लड़की को आधा पटा लेगा। करते कैसे हो ये सब? तो सीन ये होता है कि उसने बोली कि भाई एग्जिट क्यों कर दिए वो मैच, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो सवाल कर रही थी। तो जवाब में हमारे दुर्योधन भाई ने क्या कहा है सुनो जरा। क्या माइंड को अपने आप चैलेंज दो, मतलब ऐसा मत करो सब लोग खेल रहे हैं भाई, मर गए दोबारा पैदा होके फिर मारे, नहीं एक बार मार दो तो मार दो दोबारा नहीं। और हम लोग खेलते हैं रूल के साथ में, एक दिन फौजी भाई मारेंगे मैं नहीं मारूंगा, एक दिन फौजी भाई मारेंगे तो मैं नहीं मारूंगा, जिस दिन मैं मारता हूँ उस दिन फौजी भाई नहीं मारते, मतलब हम लोग एक करके मारते हैं। अच्छा और ये कौन बोल रहा है, ये मारते मारते वाला कौन समझा रहा है मुझे? लड़की बहुत ज्यादा स्लो है, मजाक नहीं कर रहा, उसको हर एक चीज समझाना पड़ता, मतलब देखो उसकी आवाज भी आ रही, माइक भी चल रहा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि बोल कौन रहा। ये कहीं माइक से बात कर, देखो मतलब ऐसी है वो लड़की कि अगर ये पटा भी लेगा और फिर मैं बाद में बोल दूंगा कि बात तो मैंने किया था तुमसे, तो वो बोली ठीक है आपसे भी जुदा हमको बस पता है, तो कंटेंट मेरे को बनाना है यानी किल मेरे को करना है, तो किल कोई चुराए ना मेरा, मतलब माइंड जो 4 नंबर वो चुराए ना, उस वजह से उसको चरा रहा है कि अभी सिर्फ फौजी को मारने देना फिर हम लोग मारेंगे। एक्चुअल में क्या आएगा ना, उसको ये बताया नहीं कि ये यूट्यूबर है, हम कंटेंट रिकॉर्ड कर, हम चाहते हैं उसका प्योर रिएक्शन हमको मिले कि वो क्या सोचती है हमारे बारे में, इस चक्कर में नाटक कर रहा है पूरा। ए दुर्योधन भाई आपका बाजी नहीं पहचानी, समझ रहे हो, ये मेरा छोटा भाई है ना, इसको मरवाना बंदों को आज, ठीक है, जब ये ना मार पाया तब अपन लोगों को मारना, इसको पूरा मौका दो, जलील करेंगे बाद में अपन इसको, ठीक है, ये ना मार पाए बोला अरे नो बड़ा भाई, लेकिन जब ये ना मार पाए तब कंडीशन है इसके आगे ध्यान रखना, आया फुल एनर्जी में हूँ माइंड, मुझे रोकना मत, मैं मेरे भाई को किल करवा करूंगा, तुम मुझे बस बीच में बता रहा, तुम बीच में बता रहा, तुमको कसम है मेरी, तुम मुझे रोको, मेरे भाई को रोको, तुम मारने दो, जीने दो उसकी जिंदगी, तुम बस मेरे आसपास घूमो, हम साथ में पुश करेंगे, स्टेयर्स पे उछलेंगे अपन दोनों, लेट के हीलिंग करेंगे, मैं तुम्हारे पास लेट के उनसे गन एक्सचेंज करूंगा, हम इससे प्यार बढ़ाएंगे, बड़ा हरामी हो बेटा, उसको छोड़ दो, जब से पबजी खेलो जब से ये गाली देता रहे हैं, जैसे ही ऑल में करो तो कोई ना कोई की माँ बहन चल ही रही होती, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है ऑल में, माइन तुम कितने साल की हो, कितनी हो, मतलब उम्र कितनी है तुम्हारी, कितनी हो क्या, कितनी उम्र है तुम्हारी, हमें हाफ डजन हो, ओह माय गॉड, अब यहाँ पर मैं गेस करके बताऊंगा। अच्छा गेस करो, चलो बच्चे कुछ दिमाग देखते किसका गेस सही है, बाबा टाइपिंग हो रही है, अबे अबे पान खा रहा हूँ ना, मेरे को भाई यहाँ पे गाने नहीं मिलते, मैं नहीं हिलूंगा, मेरा डिवाइस फट गया, मैं यहीं से गन मिलेगी नहीं, मेरा भी नहीं है, इस पे भी गन, बहुत डैमेज है, एस के एस भाई
अब मैंने सोचा चलो पहले ग्राउंड फ्लोर, तो मैं घरों से आके भागूं। देख बताया था ना गाइस, मेरी किस्मत घोड़े के पांचवे पैर से लिखी है, वो भी नाजुक वाला जो घोड़ा का पांचवा पैर है उससे। तुम माइनस के पास जाओ, नंबर फोर के पास, नंबर टू के पास जाओ ना तुम। अरे तुम प्लेन में मेरे साथ क्यों घूम रही हो यार? हाँ वही तो यार, तुम बहुत ज्यादा बात नहीं मान रही हो मेरी। हाँ कुछ ज्यादा बोल के पीछे पहुंच गए। एक्चुअली मैं आगे हूँ, आप पीछे हो। बैड आइडिया, मैं पीछे हूँ क्या? नाइस, मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आगे हूँ, आप पीछे हो शायद से। मैं पीछे हूँ क्या? नाइस, ठीक है, मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ। ये मैम क्या बोल रही है? कह रही है मैं आगे हूँ, आप पीछे हो, आप गलत बोल रहे थे। ऐसे नहीं, अपना प्लेन प्लेन ओके, पूरी बात क्यों नहीं बोल रही? मैं कंफ्यूज हो गया। अरे दोनों के पहुंच गए आगे। चाबी कहाँ है? कहाँ चलना है बताओ भाई? ऊपर एक बंदा, अबे उसने बोले दो नोक है तो मेरे को लगा होंगे जमीन के अंदर लगेगा। मैं ध्यान नहीं दूं ना, फ्री फायर कर रहा हूं। तो भैया यही दो किल थे जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, वन वी वन करके। इसके बाद मेरे सिर्फ और सिर्फ लबड़े लगे गए, यही लगेंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कुछ, पहले पीछे देखना, मैंने नहीं खाई कभी। ये क्या बात कर रही है? गाड़ी नहीं पसंद हमको, ये पसंद है बहुत। लो नहीं नहीं, मैं खुद भी देती हूँ, बट मैं ऐसे पब्लिकली नहीं देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बट ऑल पे एक बहुत गंदी गंदी, तो मेरे को माँ बहन पे काली पसंद नहीं है। पसंद कर रही है लड़कियां, नहीं साड़ियां पसंद कर रही है, गाली पसंद कर रही है, माँ और बहन की पसंद नहीं है। भैया माँ बहन के अलावा गाली और कौन सी होती है भाई? मैं बोल पंडित जी आप बताओ, गाली तो एक परिभाषा है भाई। भाई आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मादर चो, नहीं नहीं मतलब बोध, मतलब पूरे लय है उस पे। पंडित जी आप बताइए आपकी फेवरेट गाली कौन सी? मेरी फेवरेट गाली है गा दू। हाँ आपकी कौन सी है वैसे? मेरी है भोस, पूरा लय है, पूरा फ्लो है, पूरी परिभाषा है। मतलब जो आदमी व्यक्तित्व कर रहा है ना अपने बारे में कि भाई मैं सामने वाले को जो बोल रहा हूँ एक बार में स्ट्रेस खत्म। हाँ, आप पूछो हमारी फेवरेट क्यों है जो? आपकी फेवरेट क्यों है उसमें? गा डू मतलब कर दो, मतलब कर दो, मतलब इंग्लिश वर्ड है क्या? इंग्लिश वर्ड डू मतलब कर दो, हिंदी शब्द है अर्थ इसका अंग्रेजी में। कोई सेंस है इस बात? मानना पड़ेगा भाई, तो ये फ्लो है। ठीक है चलो मान लो, भाई की पसंद है, भाई की, भाई चोद। हाँ भाई पे कुछ ठीक है चलेगा। अपन पॉजिटिव चीजें को दिया करेगा, भाई चोद ये भाई है ना, तो यही गाली देता हूँ भाई चोद। समझ लेना तुम इनके बारे में गाली दे रहे हो, ठीक है? जब तुम भाई की गाली तो इनको लगेगी यार बहुत लाग हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं जिगल करता हूँ तो लैग हो ही जाता है। अच्छा अब भैया देखो तुम्हारा बंदा, भाई बंदा, बंदा। कर दिया है एनिमी जा रहा है, पुलिस स्टेप आ रही है, ठीक है? थोड़ा टीपी प्लेयर आ, देखो बंदा लोग है तुम्हारे। अरे कोमोड और लाल नहीं होंगे ये तुम्हारे भाई ने बंक किया। अब देखो यार ही चार्ज में लगा के हगे कर, हां करेंगे पीक और आ रहा हूं आगे 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 ब्रो आगे, बस एक मिनट रुक जाओ। बंदा ने लगे ले रहा है मेरी कसम, रात को आऊंगा जय श्री राम, तुझे ले जाऊंगा मैं। सीढ़ी पे बैठा जस्ट ऊपर वाले सबसे ऊपर, अभी तू देख सीढ़ी पे जो भाई। नाइस वन, हल्के में ले रहा है उसका सेल, ठीक है जो भी मान ले रहा है। पिकअप फटेगा चोरी से आना चुपके से जाना,
भाई भाई सही बता रहा हूँ, तुम यही बकचोदी कर रहे, मैं नॉक होता हूँ, फिर लोग बोलते कि मैं नूब हूँ। तुम काय चोरी से आना चुपके से गाना गा रहा है भाई, जब अपन रस कर रहे हैं तो इस टाइम गाना मत गाओ, फुट स्टेप आने दो ना। एक तो तुम्हारी आवाज भी इतनी तेज, चोरी से आना चुप भाई, मैं गाना गा रहा हूँ, बंदी के लाना गा रहा हूँ। अरे तो भाई बंदी के लिए बाद में गा, अरे तो भाई कैसे फोकस करो जब फुट स्टेप ही नहीं आएगी तो। मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे बंदा है। चल जवाब तो मैंने मरवा दो, ठीक है मैं मान ले रहा हूँ, आगे देख लूंगा, नॉक नहीं होगा तो देख लूंगा। ये गलत है ना, लेकिन ये चीजें मत किया करो, थोड़ा भाई नीचे देखो। बंदियों के साथ बात कब करो जब अपन लड़ नहीं। हाँ पता है, आ रहा है मेरा ध्यान जी। चलो गलती मान ली मैंने, भाग देख लिया, ठीक है। नीचे ऊपर बंदा भाई मार रहा था, देख चार नंबर में गोली मार रहा है। अब फिर बोलोगे मतलब क्या, लूबड़ बंदी पूरी मारनी है। वो थोड़ी ध्यान समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। चार नंबर हारू 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 बंदे बंदे नीचे बंदे बंदे समझ में अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी कर। शादी करना है पक्का है जवाब, हमें तो नहीं लगे ऐसा कछु शादी आदि को कोई मतलब। मैं प्रोसेस में बिलीव करना हूं। अबे साले मैं उसका फाइनल रिजल्ट पे नहीं जाता, वो प्रोसेस शादी के पहले की जो प्रोसेस है बात उसमें जा रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं सुना है जिसने किसने सॉन्ग बोला है। माई तुम क्या 24 प्लस हो गया? हाँ मैं 32 हूँ। 32 अरे भाई साहब देखो मेरे भाई, जब लड़की हो जाती 17 तो घर में हो जाता है खतरा, और जब औरत हो जाती है 30 तो बन जाती है चीज, बन जाती है लेग पीस। नहीं नहीं चीज, हाँ ये कर लो पहले। हाँ। मेरी मम्मी की उम्र क्यों तुम दो लेकिन माइंड शॉट नॉट तुमको नहीं बोलूंगा मैं सही बोल दिया है, लेकिन अभी आपका तो जरा योगी है मेरी चोट हो गई देख रहा है भाई। देख अबे तो इतने स्पेशल है कि बार बार देखो। अभी फुट दूंगा ठीक है, देख एक बार में चढ़ूंगा बस। नहीं तो देखो पीछे की साइड है, मेरी बिल्डिंग में ठीक है, मेरी बिल्डिंग में। अरे यार बुझ जाओ ना, मेरा गेम पता नहीं क्या हो गया था, जनरेटर दिल जाता आवाज ऐसी है ना, बिल्कुल अंदर छू जाती है, बिल्कुल पिघल गए तुम इतनी जल्दी। तुम नहीं हो सख्त लोडे, प्यारी सी बात में जाते हो पिघल, तुम जायरो हिलाते रह जाओगे, हम मार के निकल जाएंगे जिगल। बोलो दे जिगल दे जिगल गाइस भाग गया। चलो कहां है वे जो देखा है, ये तो देखो पीछे दो तीन बंदे हैं, प्लीज पीछे मेरे ऊपर गाड़ी आ भाई मैं एक्सपोज होगा एक बार और भाई तू कैसे मार दा, भाग गया। चलो हिम्मत लगाए थे ना, अरे देखो पीछे दो तीन बंदे देखे देख पीछे गाड़ी आ गई है। देखो बाहर निकले अबे बेस्ट नहीं रहो भाई, बेस्ट नहीं रहो, देखना बेस्ट नहीं रहो ना भाई। देखो भाई ये देखो, एक गोली टच नहीं भाई है मेरे, एक गोली पर कूद के मारो बचाओ, कूद के नहीं मारो है। तुम बस जो ही मौका देखा कब हीरो बने, कब हीरो बनने को मौका मिले। आदमी जान बचा रहा हो बाबा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं हीरो नहीं बनूंगा अकेले, मतलब अगर हमारी बेस्ट होती तो हम उनको पेल देते, ठीक है। तुमने कुछ वसूल नहीं करो, पीछे से मारो, छल कपट करो, सही बात। तुम भी देख सकता था क्या हुआ
क्या था? तुम भी देख सकते हो यार। अरे ये इसे मारना, माइन आप मत मारना, फौज में आप मारो। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ऐसे सॉरी सुनने के लिए ना, तो मतलब मैं भाई कई किल कुर्बान है यार, एक किल की बात कर रही हूँ, कई किल कुर्बान। अरे सुनो, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। यार ये कितनी औसम है यहाँ पर, बंदा आ गया। जी बाजी मेरे से बोलती ना, कोई बात नहीं, मार देंगे फौजी भाई सबको। नहीं पापा, बट मैं जाऊंगी पीछे पीछे, क्या पता। क्या एज, तुमने अपना एज नहीं बताया अभी तक, तुमने अपना 32 ही हो ना तुम। भाई इसको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है की 32 है, तो फिर दीदी बोलना पड़ेगा, समझ रहा हूँ। सामने एक बंदा देखा गाइस, नहीं मेरे को मिल भी कैसे मारे, मेरे को एंटी भी चलेगी। देख दोनों एक बंदा ब्रोकन बॉल के पीछे पड़ गया, गंदे आदमी। अबे ओ भाई, देख रहा है तीन रहे और हैंड को मारा जगह से, मेंढक कैसे निकल गया फौजी भाई, मेंढक भाई साहब। भाई वहां से भी पड़ रही है वो केजीएफ का सीन देगा फौजी भाई, वो रॉकी भाई लेके आते हैं। की बात छोड़ भाई, केजीएफ को एक डायलॉग याद आ रहा है, इफ यू थिंक यू आर कैंपर, कैंपर तुम भैया सच में बहुत भयंकर। सही बात, मजाक नहीं है। क्या मारा भाई, मैं तो जा रहा हूं, हम पैदा नहीं हो रहा क्या हम लोग, तुम लोग गए तीन जगह से गोली लेकर आ रही मेरे को। अरे जो जुगा है लगा रहे हैं लोकल वाले, चाहिए गोली लेकर आ रहे हैं क्या, गेम प्ले जो ही चल है। नहीं अभी क्या हो रहा है ना, क्यों एक बार हमारे लिए बता रहे हैं, यार मैं पब्लिक न्यूज़ समझ रही नहीं, तो तोरो गेम प्ले थोड़ी ना है, गेम प्ले तो मोरो है ना, ते तो नूब ही है। अब मैं देख लो कितने मारोगे, मैं मर गया हूं, देख ले भाई। और बताओ माइन 98 मतलब कि 99 2000 नीचे गाड़ी ऐसे पकड़ के चले पहुंच गए। अच्छा अच्छा, आप लोगों को क्या है, देखो ये फौजी भाई है, ये अभी 12-13 साल के, मतलब ये छोटा भाई है मेरा। अब देख मुझे तो गाड़ी मिली, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठू मैंने कहा एक साइड झुकी का है, हो सका तो रोड तो नहीं झुकी है, वो वजह से एक साइड तेरा चल के चलाओ भी मैंने बताया। हां मतलब पता कली पैदा हुए हो आज, झुकी का चल रहा है वो भाई। अरे मां के रोड में कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया तुम्हें लगा होगा, अन्नू बैठ गई है एक तरफ बैठ गई है गाड़ी, बचाओ यार गेम में है नहीं, लेकिन मैं यहां पे ले जा रहा हूं। अन्नू बोल रही हूं कि अभी तो रहने दो, बाकी से तो भैया देखो मैं हूँ 25 कंप्लीट हुआ हूँ मैं, ठीक है नहीं सही बता दो, मैं हूँ 27 का, अब तक शादी हो गई होती तो मेरे बराबर लड़का बच्चा होती। और अच्छा, और ये फौजी है ना, ये फौजी ये मेरा छोटा भाई है, ये 13 साल का है, रश जो है अभी 38 का हुआ, अभी 38 कम्प्लीट हुआ है, तो बस यही सीन है हम लोग। थोड़े बहुत हैंडसम लग रहे हो यार, बस बस भाई हैंडसम बोल दो। अरे भाई भाई लगाओ जवाब गरीबों वालों, आगे तो सुन मजा है, थोड़े बहुत हैंडसम लग रहे हो यार, ये बस बस फालतू बात नहीं, अब फालतू बात नहीं, ठीक है तो मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा मैं क्यों मर रहा हूँ। अरे भाई उन्हें बोली जा है कि थोड़े बहुत हैंडसम नहीं चलेगा, अरे तुमने तो 1% ही बोलोगे तो चल जा, बस हैंडसम शब्द आ गया, बस हैंडसम होना चाहिए, ओके हैंडसम कम और ज्यादा नहीं होता है, हैंडसम पूरा होता है, ठीक है। अब बाकी दोनों की रियल एज बता सकते हो ना, नहीं हाँ देखो तो ये 16 साल की है फौजी, और अच्छा थोड़े थोड़े बड़े नहीं हो रहे 2000 सेकंड में ऐसे थोड़े टाइम के लिए, 13 साल आई एम 21 आई एम 21 अच्छा आई एम 21
अच्छा 21 है रश, लेकिन okay? लेकिन फौजी सी जना इसकी शादी हो गई और ये रश का कुछ दिनों पहले डिवोर्स हुआ है। लोगों पे इतने सोच रहा है बात, बस तुम पे दुनिया में एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है जिसका नाम है दुर्योधन। मैं बताना चाह रहा हूँ योर ऑप्शन ही, पापा एक ही ऑप्शन है दुर्योधन नाम का। ये बोल नहीं रहा हूँ ये कुदरत ये बताना चाह रहा है तुम, ये समझो तो मेरी बात। सिचुएशन ऐसी बन रही है। हाँ ठीक है शादी शुदा बच्चे कितने नंबर टू, नंबर टू होते ही नहीं है ना ये देखकर, इसलिए तो मैं आया हूँ घर पे, कोई तो नहीं रहते। मैं हेल्प करता हूँ भाई, मेरे तो भाई तो पानी पी रही थी, पानी बाहर आ गया भाई, क्या बोल रही है। इनका तो पानी बाहर नहीं आता है, इनका तो पानी बाहर नहीं आता है। दो बंदे तो माई जैसे तुम बोले ना पानी तुम्हारा बाहर आ गया, इनका बाहर नहीं आता, वो चक्कर में मैं आया वो बोली कि तुम इनके घर में क्या कर रहे हो, तो ये बता रहा है कि फौजी भाई की शादी हो गई है पर पानी बाहर नहीं आ रहा। क्या सुन लिया मैंने, अरे मैं पानी पी रही थी ना, मजाक नहीं, हंसी निकल गई। अरे बहुत प्यारा बन रहा है, तो भैया बोट हो या बंदा फौजी मारेगा बहुत गंदा, तो बोट आए तो भगा देगा। तो भैया ये तुम ठीक रहते, छह की गेड़ी तुमने वैसे ही मेंटेन कर रखी है, तो भगा देगा बोट यार। चलो ठीक है, क्या अब देखो बोट आया तुमसे बोल तुम जाओ नहीं, हमारा दोस्त बोला था कि बोट ना मारो, जो कोई बात बता सकते नहीं भाई को बता सकते हैं किसी को बता सकते, भाई को बता सकते हैं। एक आप टेंशन मत लो, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं किसने किया है कैसे किया। एक मैं कहानी बता रहा हूँ ईमानदारी, बचपन में हम लोग ट्रेन से जबलपुर जाते थे पढ़ने, तो एक जगह लिखा रहा डॉक्टर करवाल, अब वो डॉक्टर करवाल रहे वो ग्रह गुप्त रोग विशेषज्ञ, ये चीज नहीं लिखी थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो काय के डॉक्टर है। मैंने एक दिन अब दोस्त से बचपन में बोल रहा यार मैं गाँव हूँ बचपन में डॉक्टर के पास, तो क्या कहे थे कहा तू गुप्त रोग रहो का कसम निशब्द हो गए, तब पता चलो कि वो डॉक्टर करवा गुप्त रोग विशेषज्ञ। मतलब अपने बीच की बात रहेगी, ये कहते ठीक है भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेरे रहे या तुम्हारे रहे, तुम चाहो तो अपने भी हो सकते हैं, हम फौजी भाई बच्चों को नाम दे सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा तुमको। फौजी भाई अगर आप अडॉप्ट करना चाहो तो माइनर मैं भी कोशिश कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। भाई अभी भी उसको समझ में नहीं आया, लग रहा है लिया है अभी तक नहीं क्या, बच्चे बच्चे अडॉप्ट करो या कुछ करो भाई, माइन इतना तो मैं कर ही सकते हैं ना ऐसे फ्रेंड है ना, किसी की हेल्प कर देंगे तो चला जाएगा उसमें, ये बच्चे हो जाएंगे। हां यार तुम अडॉप्ट कर लो, हां ठीक है बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये अडॉप्ट कर लेंगे, हमें क्यों अडॉप्ट करें, हमें तो क्षमता है ना हम दोनों में, इधर ही चलो आ जाओ अडॉप्ट करें हम दोनों क्या, मुझे लगा अकेले को ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ हम बोल रहे हो। नहीं हम मतलब मैं और इज्जत दे रहा हूं, दो लगो कि मुझे कई लोग की याद नहीं, हम बोला था मैं आपका शर्म जैसा बोला, मैं और तो हमको किसी की जरूरत नहीं इस दुनिया में। सामने मैंने एक बंदे को देखा तो मैंने कहा चलो भाई सी बिल्डिंग में रश कर, लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे गया और एक और बंदे की लैंडिंग हो जाती, देखो
आप आराम से थोड़ा मैं चाय बना रही हूँ। अरे कौन हो रहे, देखा आपने चाय बना रही हो? तुम पता नहीं चाय बना रही हो, फुट स्टेप आ रहा है जो भी बना रहा है। इसके अंदर बंदा बैठा, इसके अंदर बंदा बैठा। वैसे फुट स्टेप आएगी मारेगा भाई, गंदा बंदा सामने साफ साफ दिख रहा हूँ बंदा। अब एकदम से कोई बंदा समझ में नहीं आ रहा हो, एक तो उसके पास पूरा जगल को पॉइंट, बहुत ही जगह में पूरा जगल भी कर पा रहा हूँ, हमारे पास कुछ बहुत कम जगह थी, दरवाजा बस थो। दूसरी बात तुम हल्ला कर रहे हो तई पे, मतलब बात भी नहीं। अब हम अब जामे हमारी गलती हुई, मतलब वो टाइम बात मत करो ना। अब लड़की तो सेंसिटिव टॉपिक को बात कर रही है, हम कैसे मना कर सकते, कैसे रोक लें अपने आप पे भाई? तो थोड़ी देर बात कर लो यार, तो कोई टाइम बात कर रहा था यार। अच्छा मतलब मेरी गलती, मेरी वजह से मर गया कौन? बिल्कुल मर गया तुम्हारी वजह से। पब्लिक बता देगी कौन की वजह से मर गया? हां बता देगी, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारी साइड हो जाए तो। गाइस यही था आज का ये गेम प्ले। आप चाहते हो मैं कुछ बनाऊं ही ना? नहीं, तुम जो बनाओ एक बनाओ, मैं की मग से पिएंगे तुम, इस बात की टेंशन मत लो, मग खराब नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारा। खैर गाइस मुझे नहीं पता कि ये गेम प्ले आपको कैसा लगा, कुछ लोग हो सकता है बोल रहे हो ये क्या डाल दिया, और कुछ लोगों को काफी मजा भी आया होगा। लेकिन एक्चुअल में मेरा मतलब ये था इस गेम प्ले को डालने का कि भाई मैं ऐसे ही बकचोदी करता हूँ गेम के अंदर, हम लोग सिर्फ ऐसे ही बकचोदी करते हैं, और बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, बन गया तो डाल देंगे आपके सामने, और नहीं बना तो ऐसे ही बकचोदी भरे गेम प्ले हमारे आते हैं, समझ रहे हो। तो मैंने सोचा कि एक गेम प्ले क्यों ना आज आपको दिखाऊं, और वैसे भी मेरी आवाज बैठी हुई थी तो वॉइस ओवर करने में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज के बिना वॉइस ओवर शायरी बोलना मतलब उतना खास नहीं लगता। मैं आवाज खड़ी करने के लिए, हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रिएक्ट किया जाए। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मुझे तो काफी मजा आया। अगर मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही शेयर भी कर देना गाइस। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, आपको डिलीवरी ऑल जय हिंद जय भारत, जय माता दी गाइस।